बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनाया चीमा वॉइस के डियर लिसनर्स, अस्सलामुअलैकुम। लिसनर्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ाहिया सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। कल दोपहर को बीवी मेके गई, शोहर उस वक्त काम पर था। जब घर पहुँचा तो ये नोट टीवी पर चिस्पा मिला, अम्मी के घर जा रही हूँ बच्चों को लेके, नीचे की बातों पर एहतियात से अमल करना, दोस्तों को घर बुलाकर कबाड़ खाना मत बना देना, पिछली बार भी छत बहुत गंदी मिली थी, खाना घर में बना लेना या होटल से खाकर आना, बाहर से ला लाकर हर किसी को घर में मत खिलाना, पिछली बार सोफे के नीचे 4 पिज़्ज़ों का बिल मिला था, चश्मा ड्रेसिंग टेबल के पास रखना, पिछली बार फ्रिज में मिला था, काम वाली की तनख्वाह दे चुकी हूँ, बिला वजह एहसान जताने की ज़रूरत नहीं, सुबह सुबह उठकर पड़ोसन को जगा जगा के अखबार आया कि नहीं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अखबार और अखबार वाला उनसे मुख्तलिफ है, और दूध वाला और धोबी भी, तुम्हारे बुनियान अलमारी के नीचे के खानों में हैं और बच्चों की ऊपर के खाने में रखी हुई हैं, पिछली बार की तरह बच्चों की पहन के मत चले जाना, तुम्हारी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, बार बार उस लेडी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहन और भाभी की सालगिरह गुज़श्ता माह ही हो गई है, रात को फ़ोन करके उनको विश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाईफाई का पासवर्ड तब्दील कर दिया है, जल्दी सो जाना, ज़्यादा खुश होने और इतराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सारी सहेलियाँ भी अपने मेके जाने वाली हैं, शक्कर पत्ती कॉफ़ी मांगने के बहाने उस कल मुँह ही पड़ोसन के घर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें ला के रख दी हैं, और सबसे अहम बात, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, मैं किसी भी वक्त वापस आ सकती हूँ। तो लिसनर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अनाया चीमा को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।